आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने में अब एक दिन बचा है। मतगणना 4 जून को शुरू होनी है। हम इस वक्त परसाखेड़ा के स्ट्रांग रूम पर हैं, जहां बरेली और आंवला लोकसभा की गिनती होनी है और साथ में बहेड़ी विधानसभा की भी होनी है। बहेड़ी विधानसभा की बात करें तो ये विधानसभा पीलीभीत के अंतर्गत आती है। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, बस अब इंतज़ार ये है कि 4 जून सुबह में मतगणना शुरू हो जाएगी। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इधर से मीडिया की एंट्री है और पूरी तरह से इस पूरे इलाके को कवर कर दिया गया है। CCTV लगाए गए हैं और बहुत ही कड़ी सुरक्षा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अब जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उसके बाद कड़ी नज़र रखी जा रही है, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके लोग यहां डेरा डाले हुए हैं तभी से जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन स्ट्रांग रूम में सील की गई हैं। यहां पे एक कैंप लगा है, आप देख रहे हैं मेरे सामने, इस कैंप से ही नज़र रखी जा रही है। यहाँ रात दिन ड्यूटी रहती है। एक स्ट्रांग रूम के ठीक बाहर एक कैंप और है, जहाँ पे कैमरे लगाए गए हैं। उन कैमरों से जो दृश्य हैं उसको देखने के लिए एक व्यक्ति पार्टी से वहाँ रहने की इजाज़त है, बाकी लोग इस कैंप में रुकते हैं, जो भी मैंने आपको दिखाया है। ख़ास तौर से ये मामला अब इस वजह से थोड़ा सा और भी पेचीदा हो गया है, या एक तरह से ये कहें कि समाजवादी पार्टी और अलर्ट हो गई है कि एग्ज़िट पोल के नतीजे जितने भी बड़े सर्वे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन इन सर्वों को विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव हों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी हों, शिवसेना और आम आदमी पार्टी की तरफ से, सभी की तरफ से एक सुर में ये कहा गया है कि जो भी एग्ज़िट पोल आए हैं इन पर यकीन नहीं किया जा सकता। मैदानी हालात जिस तरह से वोटिंग हुई है उससे दूसरे हैं और एग्ज़िट पोल अलग तरह का दिखाया गया है। अगर हम अखिलेश यादव की बात करें, समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं, तो उनका बहुत ही सख्त एतराज़ आया है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एग्ज़िट पोल दिखाए गए हैं उनसे बेईमानी की संभावना है। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया है कि पूरी तरह से मतगणना से पहले भी नज़र रखें और मतगणना के बाद तक अलर्ट रहें। मतगणना पूरी होने के बाद जब सर्टिफिकेट जारी हो जाए तभी वहां से निकलेंगे। उनके करीब 3-4 लेटर इस बीच जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उन तक आ चुके हैं। इसे लेकर आज समाजवादी पार्टी ने अपने एजेंटों के साथ मीटिंग भी की है। इस मीटिंग में तमाम तरह की चीज़ें उन्हें समझाई गई हैं कि किस तरह से काउंटिंग में रहना है, कैसे नज़र रखना है, किस तरह से देखना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब खोली जाएंगी तो उनमें किन किन चीज़ों को वॉच करना है। बहरहाल क्या रहता है, 4 जून को ये तय होगा, लेकिन उससे पहले जिस तरह के हालात हैं उसका जायज़ा लेने के लिए इस वक्त परसाखेड़ा में मौजूद हैं, स्ट्रांग रूम के पास। स्ट्रांग रूम के आसपास बेहद कड़े सुरक्षा बंदोबस्त हैं, किसी को भी आने और जाने नहीं दिया जा रहा है। जो प्रशासन से अधिकृत हैं वही जा रहे हैं और जाने वालों की बाकायदा एंट्री भी हो रही है। इस कैंप में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं बरेली के, प्रवीण सिंह एरन, उनकी तरफ से लगाया गया है। उसमें महेंद्र सिंह हैं, उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से रात दिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नज़र रख रहे हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंह हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह से और कब से यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं। हम लोग जब से EVM मशीनें यहाँ रखी गई हैं, जब से हमारे जितने भी साथीगढ़ पास, जिनके पास 5 लोगों के बने हुए हैं यहाँ पर, और हम लोगों को 8 तारीख से यहाँ पर कंटिन्यू अपना कैंप में ड्यूटी निभा रहे हैं। इसमें क्या रखा गया है, यहाँ पर जो हमारा कैंप लगाया गया है, अंदर जो कंट्रोल रूम बनाया गया उसमें एक व्यक्ति की एंट्री होती है और हम लोग 5-5, 6-6 घंटे उसमें बिताते हैं, बाकी लोग यहाँ रहते हैं। 3 लोग हम लोग दिन में रहते हैं हमारे साथी, और 2 लोग हम लोग रात में ये ड्यूटी निभाते हैं। किस तरह से नज़र रखते हैं, जैसे यहाँ आप रहते हैं तो यहाँ से तो स्ट्रांग रूम दूर है, लेकिन जो एक व्यक्ति अंदर जाता है, आप भी जाते होंगे बारी बारी ऐसा करते होंगे, तो वहाँ क्या क्या देखते हैं? वहाँ पर जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं और वहाँ 5 TV लगी हुई हैं, जिसमें एक बहेड़ी की है और 4 हमारी बरेली लोकसभा की हैं। हमारा जो भी साथी वहाँ रहता है, वहाँ पर एक एक जो CCTV कैमरा है उस पर निगरानी रहती है। शटर, जैसे एक रूम है वहाँ शटर गिरा हुआ है, शटर पर रहती है, गेट से कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसकी एंट्री होती है और देखवाली रहती है। बाकी जो बाहर कैंप के बाहर होता है, हम रोड पे अपना बाहर तख्त बिछा लेते हैं और कोई भी बंदा हमारा रात में सोता नहीं है, वो बाहर की निगरानी करता है। एक कंट्रोल रूम की होती है निगरानी, एक बाहर की कंट्रोल कदर निगरानी होती है। और जितने भी हमारे साथी हैं इन लोगों को सबको पता है, हम लोगों ने यहाँ बैठ के एक अपनी मीटिंग भी करती हैं, क्योंकि तन और अगर कुछ भी होता है शांतिपूर्वक भी हैं हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और अगर अपने पर कुछ गड़बड़ी भी हुई तो हम लोग आक्रोश भी हो जाएंगे यहाँ पर। ये सबको पता है, प्रशासन को भी पता है इन चीज़ों में, मगर प्रशासन
ऐसा कोई हम लोगों के लिए मतलब परेशान नहीं कर रहा है, और प्रशासन को भी पता है सब कुछ ये हो क्या रहा है। मगर जो है हमारे यहाँ पर 11-12 बजे तक सभी लड़की का तो शादी कर बैठे रहते हैं, अच्छी संख्या में बैठते हैं यहाँ पर। और जित मैं समझता हूँ जो मतगणना होगी बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से होगी, और ईवीएम में अगर अंदरूनी यही कुछ ऐसा हो सकता है जैसे खबरें आ रही हैं बाहर से भी आ रही हैं हैक कर लिया गया है या कंप्यूटर के द्वारा, हम उस पर भी निगरानी करते हैं। यहाँ से कोई कंप्यूटर लेके भी तो अंदर कोई नहीं जा रहा है, उसको भी हम चेक करते हैं। प्रशासन कोई भी मोटरसाइकिल अंदर नहीं जाती है, कोई भी अधिकारी अपनी फोर व्हीलर लेके नहीं जाते हैं, सबकी गेट से एंट्री होती है, अपने नाम और नंबर लिख के अंदर जाते हैं। इस बीच जो अभी जितना टाइम आपको यहाँ हो गया, कोई शिकायत आपको ऐसी है कि जो आपने प्रशासन से DM आते होंगे यहाँ पर और भी अधिकारी होते होंगे उनसे करनी पड़ी हो आपको? शुरू में हमारी ये शिकायत थी, हम लोगों कंट्रोल रूम में जब एक व्यक्ति की एंट्री हो रही थी तो जब कोई बाहर से अधिकारी आता था तो हमें कंट्रोल रूम से हमारे व्यक्ति को किसी को बाहर कर दिया जाता था और उसे अंदर नहीं दिया जाता। मगर बाद में जब DM साहब आए थे और उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने सब इन चीज़ों को सबसे प्रशासन ने बोल दिया, आपको जो भी पार्टी के लोग यहाँ पर हैं किसी को कोई भी बड़ा अधिकारी आ जाए इनको कंट्रोल के रूम से बाहर नहीं किया जाएगा। और अगर किसी को शक भी है हम लोगों को तो ऐसा नहीं है हम 5 घंटे के बाद ही जा रहे हैं, हम कई बार एंट्री भी कर सकते हैं। और अभी भी बीच में अगर कंप्यूटर भी रखे गए हैं तो हम लोग उनके साथ में गए हैं। रात में जब आप जागते हैं तो बिल्कुल पलक नहीं झपकती या कुछ इस तरह का होता है कि कभी आपको ये लगता है कि नींद ज़्यादा आ रही है तो आप सो जाएं? नहीं, ऐसा होता है जब यहाँ पर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं सोने के लिए तो हम घर पे भी सो सकते हैं। अगर यहाँ पर सोएंगे आप रात के हालात यहाँ पर देख भी सकते हैं, जंगल एरिया है और मच्छर उच्छर लगते होंगे, और हम लोग आराम से, ऐसा नहीं है यहाँ पर रात भर एक व्यक्ति जब अंदर होता है और दिन में हम नींद हो जाती है, एक दो घंटे की हमारी नींद दिन में हो जाती है और रात में हम बिल्कुल नहीं सोते हैं। ये प्रशासन के लोगों को भी पता है, हम लोग इतने बीच में सब घूमते रहते हैं सब जगह। तो आप ही हैं यहाँ, कोई और किसी पार्टी से भी कोई व्यक्ति या कोई निर्दलीय व्यक्ति भी आते जाते रहते हैं? नहीं नहीं, और किसी पार्टी से नहीं है यहाँ पर, क्योंकि और अगर सामने दो ही पार्टी हैं भाजपा और गठबंधन, भाजपा के लोग क्यों होंगे यहाँ पर? क्योंकि उनके चक्कर में तो हम बैठे ही हैं यहाँ पर, हमें विश्वास नहीं है। और हर जगह कहीं ना कहीं पकड़ी जा रही है ईवीएम मशीनें, तो वो बैठेंगे तो और शक के दर्जा में हो जाएंगे इस चीज़। आप रिपोर्ट किसे करते हैं जो दिन भर आपकी सब एक्टिविटी चलती रहती है? आप में कंट्रोल रूम में जाने के बाद कैमरे देखते हैं, फिर कोई आपसे बात करता है समाजवादी पार्टी में ऊपर के वहाँ किस तरह का सीन चल रहा है क्या नहीं है, या वहाँ से लोग भी यहाँ पर देखने के लिए आते हो? सभी लोग आते हैं, समाजवादी के जिला अध्यक्ष वानी शरीफ कश्यप जी और समीम सुल्तानी जी, और कांग्रेस के भी आते हैं, मतलब गठबंधन के सभी लोग आते हैं यहाँ पर। और जो मेन फोकस होता है यहाँ पर हमारे प्रत्याशी भाई कहते हैं प्रवीण सिंह एरन जी हैं, वो रात के 12 बजे हमसे हालचाल पूछते हैं, रात के 2 बजे मतलब वो हालचाल हम रात भर हमसे पूछते रहते हैं, यहाँ की हलचल पूछते रहते हैं, और हम उन्हें डायरेक्टली हमारी कनेक्टिविटी उनकी हमेशा रहती है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ कौन मीटिंग कर रहा है आकर, कौन प्रशासन आया, तो वो हमें हम कनेक्ट रहते हैं हमेशा। क्योंकि ऐसा नहीं है हम अंदर से बैठ गए यहाँ पर यहाँ की खबर हुआ नहीं जा रही है, क्योंकि प्रवीण सिंह एरन जी को खुद जो व्यक्ति रात के 2 बजे हम लोगों को हम लोग फ़ोन कर सकते हैं और पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हमें भी छूट दी गई है आप रात में किसी समय भी फ़ोन कर सकते हैं, अगर कोई भी ऐसी घटना हो सकती है तो सब लोग तैयार होते हैं आने के लिए। रात में 2 बजे फ़ोन आता है तो वो क्या कहते हैं आप? फ़ोन आता है तो वो मतलब यही बोलते हैं क्या यहाँ पर ये चल रहा है, महेंद्र मतलब हमारे जितने भी और भी साथी हैं और सभी लोग सही लगे रहते हैं, मगर एरन साहब का हमेशा हम लोगों को उत्साही करते रहते हैं, और एक हमें भी अच्छा लगता है, एक जब 2 या 2:30 बजे फ़ोन आता है वो भी देखते हैं हम, मतलब हम लोग बाकी में ही यहाँ पर संघर्ष रात में ऐसा तो नहीं है सो रहे हैं यहाँ पर कोई भी सो रहे हैं। जिस तरह से एग्जिट पोल आया है उसको आपने देखा होगा, देखने के बाद क्या लगा? विश्वास करिए आप, एग्जिट पोल की जब माने तो इसमें मैं नहीं, आम जनता के बीच में भी खुशी नहीं है एग्जिट पोल के लिए। जैसे पहले कोई एग्जिट पोल आता था तो एक खलबली हमारे पड़ोस में भी या बरेली में भी, तो आदमी हमें फ़ोन करके कह रहा है भैया ये तो पहले से ही तय था एग्जिट पोल
जब पहली तारीख को लास्ट मतलब सातवीं मतलब होगा चरण होगा और तो शाम को मीडिया यही दिखाएगा। तो डाउन नहीं हुआ आपका जब एग्जिट पोल आया कि आप इतने दिन से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, जाग रहे हैं और एग्जिट पोल में दूसरी तरह के नतीजे आने जा रहे हैं? नहीं नहीं, हमारा कोई मनोबल ऐसा नीचे नहीं आया है। और दूसरी बात यह है, पूरी तरीके से हम लोग वो हैं जो हमेशा नेतागिरी, हमने पहले भी मतलब संघर्ष ही किया, पहले भी हम लोग कांग्रेस में थे, युवा कांग्रेस में थे और पूरी टीम भाई साहब के साथ में आई यहाँ पर, और व्यक्तिगत तौर पे भी हम लोग एरन साहब के साथ में हैं, करने मिटने को सब तरीके से राजी हो जाते हैं यहाँ पर। करो मरो का है, आप खुद सोचिए, रात में यहाँ पर कम से कम पाँच छः, हम चार पांच लोग रह रहे हैं और खाली घर फ्रेश होने के लिए दो घंटे के लिए हम जाते हैं, तो हमारे परिवार के भी लोग सोच रहे हैं ये चीज़ें, भाई हमेशा पाँच साल रहते हैं मगर एक महीना नहीं सही, क्योंकि अगर हम घर में सोएंगे, क्योंकि पूरी बरेली की जनता ने अपना वोट का अधिकार सौंप दिया, मशीनों में अंदर बंद है, अब उन मशीनों की रक्षा करने का काम हमारा है। रही एक तरह से जनता की अमानत है जो आप रखा रहे हैं। हाँ, क्योंकि रक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा है प्रशासन की तो मजबूरी हो जाती है, ऊपर से जब प्रेशर आता है, इससे पिछले 2022 के विधानसभा का चुनाव था तो उसमें भी हमने जब बहड़ी के कहते वो SDM हम लोगों ने बक्से पकड़े थे तो वो पूरे सबको पता था यहाँ की मीडिया को, तो हमें उसी समय से खतरा है, हम किसी यहाँ पर किसी भरोसा नहीं करते हैं, अगर कोई गाड़ी भी आती है उसे भी हम चेक करते हैं जाके, और वो गाड़ी किसी की SDM की हो, किसी बड़े अधिकारी की हो, हम खुद जाकर चेक कर लेते हैं जाके, वो हम लोगों से बोलते भी हैं यहाँ पर फ़ोटो या वीडियो आप इसकी नहीं बनाइए, हम नहीं बनाते, मगर हाँ हमें, हमने ये बोल दिया है अगर हमें शक हुआ इसमें कुछ गड़बड़ी है तो प्रशासन अपना काम करे हमारे ऊपर और हम अपना काम करेंगे उनके ऊपर, अगर हाँ गड़बड़ी है, वैसे ना तो हम वीडियो बनाएंगे ना फोटो बनाएंगे और ना कोई सोशल मीडिया पर डालेंगे, मगर हाँ गड़बड़ी होगा तो सब कुछ होगा इसमें। अच्छा महेंद्र जी, आपके दिल की आवाज़ क्या कह रही है कि क्या होने जा रहा है चार? चार को देखिए, बरेली के अंदर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक जीत होगी, और जब बरेली, मैं समझ रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में जब बरेली भाजपा का शुरू से गढ़ रहा है, और हमारे श्री माननीय प्रवीण सिंह एरन जी ने 2009 में भी जीते थे कांग्रेस से, मगर उस समय से इस समय बहुत माहौल है और ऑटोमेटिक ही जनता ऐसा माहौल बन गया जो जनता के अंदर से आवाज़ बदलाव की थी, जो प्रवीण सिंह एरन और गठबंधन के लिए ऑटोमेटिक वोट पड़ रहा था उसमें, उन्होंने क्योंकि एरन साहब के लिए हर धर्म और हर जाति का वोट पड़ा है, इसमें नहीं है एक जाति, सभी जाति को वोट पड़ा है, इस बार बरेली से प्रवीण सिंह एरन जीत रहे हैं। अभी आपने महेंद्र सिंह को सुना, और ये जिस तरह से EVM की रखवाली कर रहे हैं, रात को जागकर मच्छरों के बीच में, और कल आंधी भी आई थी उस आंधी में भी डटे रहे हैं बहुत मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, वफादारी के साथ, अब 4 जून को क्या रिजल्ट आएगा, इनकी मेहनत क्या गुल खिलाएगी, उसके लिए बस एक दिन का वक्त बचा है, साफ हो जाएगा 4 जून को कि क्या होने जा रहा है, एग्जिट पोल सच्चे हैं और या फिर जो इनके दिल की आवाज़ है उस दिल की आवाज़ की जो हकीकत है वो 4 जून को सामने आ जाएगी कि प्रवीण सिंह एरन जीत रहे हैं या ये बाजी छत्रपाल सिंह मार कर ले जाएंगे। बहरहाल थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और तब तक देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ।